हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्ज़ाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे पास कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आप बताइए। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जो आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है या फिर साइंस का सेक्शन है, यहाँ पर आपके करीबन 10 के समथिंग न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, जो जो आज न्यूमेरिकल पूछे गए वो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका पूछा गया था दोस्तों, बायोलॉजी से निम्न में से सहायक ऊतक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे विभाज्य ऊतक, द्रवण ऊतक, मृदु ऊतक और आपके एक दो ऑप्शंस और थे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 6000 जूल ऊष्मा को आपका 10 आपका बोला था क्या, यहाँ पर बोला था दोस्तों आपके 10 ओम ताप तक गर्म किया जाता है, तो एक मिनट में प्रभावित धारा आपको बतानी है। ये न्यूमेरिकल था दोस्तों। इसी प्रकार से आपके एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आपका लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, आपसे बोला था क्या, एक वस्तु जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है उसका आवर्धन बताना था आपको लेंस के, है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बायोलॉजी से था, सेल एक है क्या है, लैटिन भाषा में कमरा, जगह, मकान, बड़ा घर। दोस्तों, देखने में लग रहा होगा आपका क्या ए रीजन का, लेकिन आपके बायो में क्वेश्चन आया था, बहुत घुमा हुआ टाइप का क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन था आपका दोस्तों, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2 का उपयोग करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आपको यहाँ पर फार्मूला के रूप में ऑप्शन दिए गए थे, 6H2O6, C6H12O6 प्लस O2, यहाँ पर आपका CO2, आपका CO3H2 ये था। आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस था, केमिकल फार्मूला आपको नाम बताना था। यहाँ पे बोला गया था C5H2O का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रासायनिक नाम जो जो आते हैं आपके IUPAC पद्धति में, आपको निकालते आना चाहिए, यहाँ से डेली क्वेश्चन आएगा। एक और पूछा था, 0.7 अणुओं के द्रव्यमान में गोली की संख्या निकालें, मतलब कि मोलों की संख्या निकालें, मोलों की संख्या पूछा गया था। एक और लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, चूँकि अभी वीडियो लेंथ बड़ी हो जाएगी, एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। एक और क्वेश्चन पूछा है, किसी धातु के, दोस्तों बेहद लेंदी क्वेश्चन था, मतलब सीधी बात, उनको टाइम निकालना है आपका कैसे भी। किसी धातु के तार को एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और उससे विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, जिसकी दिशा उत्तर में है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी है, तो बल किस दिशा में होगा। दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम पढ़ लेना, उसी से बना हुआ ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप लोग V=IR, Q=I×T और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये पढ़ के जाएँ, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। एक आया था दोस्तों, जल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, भोपाल सिर्फ ओनली एक ऑप्शन था, बाकी अदर ऑप्शन थे बेंगलुरु, आपका मुंबई, दिल्ली। इसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ऐसे ऑप्शन थे। सतना जिले की निर्वाचित विधायक, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। एक था, अभी हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था आपका, लाल पैलेस किस नदी के किनारे है, आपकी खान नदी दी थी, कैन नदी दी थी, नर्मदा दी थी, ताप्ती दी थी। एक क्वेश्चन था, PM मोदी ने स्वनिधि के तहत अभी हाल ही में किन कोरोना मरीजों से आपका संवाद स्थापित किया, वहाँ पर ऑप्शन थे आपका ठेला गाड़ी वालों से, आपके पथ विक्रेताओं से, आपके रिक्शा वालों से, ऐसे ऑप्शन थे। एक और था, ACI खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने गोल्ड मेडल जीता। एक और क्वेश्चन था, 2019 में घोषित एकलव्य और विक्रम पुरस्कारों की टोटल संख्या कितनी है। ओके दोस्तों, इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपके टॉप क्वेश्चन बता दिए हैं। एक और वीडियो बनाकर बताऊंगा, और आपको बता दूं, आप हिंदी नॉर्मल पढ़ के जाएं बट पूरी पढ़ के जाएं, मतलब ग्रामर में जितने चैप्टर आते हैं, क्योंकि वहाँ से हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, भले वो इजी लेवल के हैं, पढ़ना आपको सब कुछ है। जैसे कि अभिकारी बेकारी शब्द आपका अलंकार से क्वेश्चन आ रहा है, उपसर्ग से, प्रत्यय से क्वेश्चन आ रहा है, और आपके और भी टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर एक टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, भले ही सिंपल आए बट क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब शेयर कर लें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद, जय भारत।
और हाँ फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो हिंदी के शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आज मैं 20 में से 20 अटैम्प्ट करके आया हूँ हिंदी में। दोस्तों विश्वास मानिए, पूरे आप कहीं मैं वो नोट्स आपको जो प्रोवाइड कराने वाला हूँ शॉर्ट, उनको पढ़ लेते हैं। 20-25 पेजेस हैं शॉर्ट ट्रैक के थ्रू, शॉर्ट ट्रैक के हर एक शॉर्ट ट्रैक, तो आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपको 15 प्लस नंबर कोई नहीं लेने वाला आपके। ओके, तो दोस्तों फिर मिलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।